द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। देखिए कश्मीर फाइल्स फिल्म पर क्या बोले भूपेश बघेल। कश्मीर फाइल देखा, वहाँ के कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई और उस पे बनाई गई फिल्म है, जिसमें एक परिवार की घटना है जिसको लेकर पूरा आगे बढ़ता है पिक्चर। लेकिन आखिरी में जो नायक है वो कहता है कि इसमें न केवल हिंदुओं के बल्कि वहाँ बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो भारत के साथ हैं उनकी भी हत्याएं हुई। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई, जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उसमें नेतृत्व कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन में। उस समय जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन वहाँ सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहाँ सेना भेजी गई। और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या भरी है। 370 हटा दिए गए, लेकिन ना उसको बसाने का काम हो रहा है, ना अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, तो समाधान भी बताते हैं डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया, केवल एक लेक्चर दी है। और ये सरकार भी 370 हटा के केवल राजनीति की है। 370 जब हटा तब बोले कि कश्मीर में जमीन लेंगे, वहाँ तो हरियाणा के मंत्री जी ने कुछ और बयान दिया था जिसके बारे में कहूँगा नहीं। लेकिन आज तक के कोई वहाँ उसे वापस नहीं किया गया और उनको जो सहायता देनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को, उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई।